सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हे गाइस, दिस इज मी डॉक्टर साहिल मित्तल एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट मोशंस एंड काइनेटिक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और वी कैन से इट एज वर्टिब्रल कॉलम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम बायोमैकेनिक्स की ये हमारी थर्ड वीडियो है। अगर आपको जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स और जो लिगामेंट्स है उनके बारे में काफी अच्छे से स्टडी करनी है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस हमारी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जनरल मोशंस ऑफ स्पाइन की। तो स्पाइन के ऊपर मोशंस कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्ट कपल्ड मोशन क्या होता है। कपल्ड मोशन का डिस्कस मैंने अपनी नी कॉम्प्लेक्स की वीडियो में किया हुआ है काफी अच्छे से, आप वहां जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कपल्ड मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। कपल्ड मोशन मेनली क्या होता है, कोई भी मूवमेंट अगर एक एक्सिस में हो रही है तो उसके साथ में वो दूसरी एक्सिस के अंदर भी हो रही है, मतलब दो एक्सिस के अंदर एक मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कपल्ड मोशन कहते हैं। मतलब कपलिंग हो रही है ना, एक एक्सिस में भी हो रही है प्लस में दूसरी एक्सिस में भी हो रही है। तो आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी मूवमेंट होती है, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो आप हमारे एल्बो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्बो पे हमारा क्या होता है, जब हम फ्लैक्स करते हैं हमारी एल्बो, ठीक है, तो फ्लैक्स करते टाइम हमारी क्या होती है, फ्लेक्शन भी हो रही होती है और साथ साथ में हमारी क्या होती है, जो आप कह सकते हैं कि जो हमारी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस होती है उसके ऊपर भी मूवमेंट हो रही है, मतलब कोरोनल एक्सिस में भी हो रही है और सेजाइटल कोरोनल एक्सिस में भी हो रही है और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में भी हो रही है। तो जब हमारी कोई भी मूवमेंट दो एक्सिस के अंदर एक साथ हो रही होती है तो हमारी मेनली क्या होती है, कपल्ड मोशन कहलाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड पे या फिर जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है यहाँ पे जो हमारी मेन कपल्ड मोशन होती है वो मेनली क्या होती है, फ्लेक्शन विद रोटेशन। जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है, सर्वाइकल स्पाइन पे जब हम फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लिटिल बिट रोटेशन भी हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। तो क्या होता है, हमारा जब हम सर्वाइकल स्पाइन में फ्लेक्शन करेंगे तो लिटिल बिट रोटेशन भी देखने को मिलेगी। तो मेनली सर्वाइकल स्पाइन पे जो मूवमेंट होती है लेटरल फ्लेक्शन विद रोटेशन वो मेनली कपल्ड मोशन की कैटेगरी में आती है। अब ये मेनली लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होता है उसके ऊपर हमें कपल्ड मोशन ही देखने को मिलता है। तो लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे हमें कपल्ड मोशन देखने को मिलता है और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे हमें कपल्ड मोशन नहीं देखने को मिलता। अब जो भी हमारी मोशन है स्पाइन की या वर्टिब्रल कॉलम की वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हिसाब से, वो वैरी कर सकती है, ठीक है। कर्व काइफोटिक कर्व है, लोडोटिक कर्व है, कौन से रीजन पे है, लंबर रीजन पे है या फिर थोरैसिक रीजन पे है, और डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है उस पर भी हमारी जो मोशन है या मूवमेंट है वो डिपेंड करती है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं जो हमारा ज़िगोफेशियल जॉइंट होता है वो मेनली हमारी डिटरमाइन करता है मूवमेंट को, मतलब हम कौन सी मूवमेंट कर रहे हैं, हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, एडक्शन कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये डिटरमाइन होती है मतलब ज़िगोफेशियल जॉइंट पे या ज़िगोएपिफाइशियल जॉइंट पे मेनली हमारी कौन सी मूवमेंट हो रही है। तो ज़िगोएपिफाइशियल जॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी मूवमेंट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब जैसे लंबर रीजन है, लंबर रीजन मेनली हमारे सेजाइटल प्लेन में पाया जाता है। तो लंबर रीजन पे हमारी कौन कौन सी मूवमेंट होती है, तो हम आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं या पीछे की तरफ जा सकते हैं, तो मेनली फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। और फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन से उसके अंदर होती है, सेजाइटल प्लेन में होती है और कोरोनल एक्सिस में होती है। अब थोरैसिक रीजन है, थोरैसिक रीजन पे हमारी सिर्फ एबडक्शन या एडक्शन ही मूवमेंट हो पाती है क्योंकि ये क्या है, फ्रंटल प्लेन में है। तो जो हमारी एबडक्शन एडक्शन कौन सी प्लेन में होती है, फ्रंटल प्लेन में होती है और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं इसके आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में मेनली हमारी क्या होती है। अब देखिए ये सुपीरियर वर्टिब्रा है और ये हमारा क्या है, इंफीरियर वर्टिब्रा। तो सुपीरियर वर्टिब्रा मेनली क्या होता है, इंफीरियर वर्टिब्रा पे टिल्ट करता है, या तो एंटीरियर टिल्ट कर सकता है वो या फिर हमारा वो क्या है, पोस्टीरियर टिल्ट कर सकता है। अगर ये एंटीरियर टिल्ट करता है और अपवर्ड स्लाइड करता है तो उसमें हमारा क्या होता है, फ्लेक्शन होती है। ये वर्टिब्रा एंटीरियर टिल्ट कर रहा है और अपवर्ड स्लाइड कर रहा है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें, ये देखिए ये मेनली हमारी क्या है, ये हमारी फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एंटीरियर तो टिल्ट कर रहा है, ठीक है, और अपवर्ड मेनली क्या है, स्लाइड कर रहा है। तो एंटीरियर टिल्टिंग और अपवर्ड स्लाइडिंग होगी तो वहां पे मेनली हमें क्या है, फ्लेक्शन मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एंटीरियर टिल्टिंग और अपवर्ड स्लाइडिंग की वजह से क्या हो रहा है, एंटीरियर साइड से जो डिस्क है वो कंप्रेस हो रही है और पोस्टीरियर साइड में मेनली क्या होती है, बल्जिंग होती है। तो इसके अंदर एंटीरियर साइड से डिस्क कंप्रेस होगी और पोस्टीरियर साइड में मेनली अपने को क्या है, डिस्क बल्जिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर ये ऐसे आगे की तरफ आएगी तो जो स्पाइनस प्रोसेस है वो एक दूसरे से सेपरेट होने की ट्राई करेगी, है ना। और यहाँ पे जो फोरामेन है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, वो मेनली यहाँ पे क्या होता है, मेनली इंक्रीज हमें होते हुए देखने को मिलता है। तो फ्लेक्शन में मेनली क्या होता है, वर्टिब्रा जो सुपीरियर वर्टिब्रा होती है वो इंफीरियर वर्टिब्रा के ऊपर एंटीरियरली टिल्ट करती है और अपवर्ड स्लाइड करती है।
एंटीरियर साइड में डिस्क कंप्रेस हो रही है, पोस्टीरियर साइड में डिस्क बल्जिंग हो रही है, साथ साथ में स्पाइनल प्रोसेस एक दूसरे से अलग होने की ट्राई करती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है वो मेनली इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलता है। अब मैंने आपको बताया था फ्लेक्शन को हमारा सुप्रा स्पाइनस, इंट्रा स्पाइनस जो हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और जाइवो एपिफाइशियल जॉइंट होता है, ये मेनली क्या होता है रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करते हैं मेनली फ्लेक्शन को। और जो एक्सटेंशन होते हैं उसको सिर्फ हमारा एक जो एक लिगामेंट मेनली जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है वो ही रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। तो हम दूसरी बात करते हैं मेनली एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती है फ्लेक्शन से। जैसे एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में मेनली क्या होता है पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है वर्टिब्रा की एंड डाउनवर्ड स्लाइडिंग होती है, ठीक है। पोस्टीरियर टिल्टिंग एंड डाउनवर्ड स्लाइडिंग, पोस्टीरियर साइड में डिस्क बल्ज हो रही है एंड पोस्टीरियर साइड में डिस्क कंप्रेस हो रही है, और एंटीरियर साइड में मेनली क्या होती है हमारे यहाँ पे डिस्क बल्जिंग देखने को मिलती है। जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो एक दूसरे के पास जाती है यहाँ पे, और इंटरवर्टिब्रल फोरामेन मेनली पोस्टीरियर साइड में डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मेनली हमने बात करी एक्सटेंशन की, और जो एक्सटेंशन होती है ये सिर्फ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के थ्रू ही रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। फ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट कैप्सूल पाए जाते हैं, पर एक्सटेंशन सिर्फ हमारी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के थ्रू रेस्ट्रिक्ट होती है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट हमें देखने को मिलता है। देन अगर हम लेटरल फ्लेक्शन की बात करें तो लेटरल फ्लेक्शन में मेनली क्या होता है, जो हमारा इंटर बॉडी जॉइंट तो एक तरफ एक साइड में टिल्टिंग करता है, मतलब जब हम हमारी एबडक्शन करेंगे तो एक साइड में जो हमारा इंटर बॉडी जॉइंट होता है वो टिल्टिंग करता है, जिसकी वजह से अपोजिट साइड में जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है वो क्या होता है वाइड हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये मेनली इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट के थ्रू मेनली रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। जो लेटरल फ्लेक्शन होती है ये इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट के थ्रू मेनली क्या होती है रेस्ट्रिक्ट की जाती है। देन हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ स्पाइन। तो स्पाइन के ऊपर मेनली हमारे कौन कौन से फोर्स या कौन कौन से कंप्रेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सियल कंप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन फोर्स देखने को मिलती है, देन बेंडिंग फोर्स देखने को मिलती है, देन टोर्शन फोर्स देखने को मिलती है, एंड देन शियर फोर्स देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये फोर्स क्या होती है। एक्सियल कंप्रेशन मतलब दो वर्टिब्राज के ऊपर ऐसे कंप्रेशन हो रही है, ऐसे फोर्स आ रहा है, ठीक है। हमने सर पे कोई भी वजन उठाया तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स आएगा हमारे वर्टिब्राज के ऊपर, तो वो हमारे क्या होता है एक्सियल कंप्रेशन होता है। डिस्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम दो वर्टिब्राज को अलग करते हैं, जब हम ट्रैक्शन देते हैं हमारे स्पाइन के ऊपर, तो वो मेनली क्या करता है डिस्ट्रैक्ट करता है दो वर्टिब्राज को। तो कंप्रेशन मेनली जब हमने कोई वेट उठाया तो कंप्रेसिव फोर्स आती है, ट्रैक्शन दे रहे तो वहां पर हमारा क्या होता है डिस्ट्रेक्शन फोर्स आता है। देन हम बात करते हैं टोर्शन फोर्स की। टोर्शन फोर्स मेनली क्या होता है, टोर्शन फोर्स एक वर्टिब्रा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और दूसरा वर्टिब्रा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जब हमारी रोटेशन होती है दो वर्टिब्राज के ऊपर तो वो हमारा क्या होता है टोर्शन फोर्स होती है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं शियर फोर्स की। शियर फोर्स मेनली क्या होता है, जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं शियर फोर्स। और बेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब वो आप बेंड करता है सुपीरियर वर्टिब्रा इंफीरियर वर्टिब्रा के ऊपर मेनली क्या होता है, जब बेंड करता है तो हमारा क्या होता है बेंडिंग फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमारी एक्सियल कंप्रेशन, डिस्ट्रेक्शन फोर्स, बेंडिंग फोर्स, टोर्शन फोर्स एंड शियर फोर्स आ जाती है। अब इसके कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्रेशन को या फिर फोर्स को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। तो मतलब अब हमारा टाइप ऑफ लोडिंग, लोडिंग किस टाइप की है, ठीक है, या हमने कितने टाइम के लिए वो लोडिंग ले रखी है, या फिर कितनी स्पीड से हमने एकदम से लोड लिया है, जो पर्सन है उसकी एज कितना है, पोस्चर क्या है, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो हमें बहुत टाइम हो गया हमें लोडिंग लिए, तो उसकी वजह से हमारी वर्टिब्राज पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। हमने एकदम से स्पीड से कोई लोड लिया है तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मल इफेक्ट आएगा वर्टिब्रा पे, पेशेंट की एज बहुत ज्यादा है या पोस्चर खराब है तो उसकी वजह से एबनॉर्मल इफेक्ट आ सकता है हमारी वर्टिब्राज के ऊपर, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा है वहां पे, ठीक है, या फिर हमारे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है वर्टिब्राज की। तो ये कुछ एक फैक्टर होते हैं जो कि मेनली इसको अफेक्ट करते हैं काइनेटिक। देन सबसे पहले हम बात करते हैं मेनली एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन मेनली हमारे क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, मतलब ये ऐसे और ये हमारे यहाँ पे ये ऐसे मेनली हमारे क्या होता है एक्सियल कंप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये मेनली आईवी डिस्क के परपेंडिकुलर होता है, आईवी डिस्क मेनली ऐसे होती है, तो ये मेनली हमारा क्या है परपेंडिकुलर होता है मेनली आईवी डिस्क के। अब यहाँ पे हमारा ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ठीक है, और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी लगता है यहाँ पे, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो लिगामेंट्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो लिगामेंट्स का फोर्स भी लगेगा और मसल का फोर्स भी लगता है, ठीक है। और अगर मैं कोई एक्स्ट्रा वेट लिया हुआ है तो उसका फोर्स भी मेनली हमारे कंप्रेशन में इफेक्ट डालेगा। तो ग्रेविटी भी इफेक्ट डालती है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स भी इफेक्ट डालता है, हमने एक्स्ट्रा वेट लिया हुआ है तो वेट भी हमारा क्या होता है कंप्रेशन को इंक्रीज करता है,
मसल को लिगामेंट की कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन भी हमारी क्या होती है, जो कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको मेनली क्या होता है, काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। अब हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको रेजिस्ट कौन कौन से लिगामेंट, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स करते हैं, वर्टिब्रल बॉडी ये मेन स्ट्रक्चर होता है। बॉडी क्या करती है, हमारे जो कंप्रेसिव फोर्स होता है उसको रेजिस्ट करने में काफी ज्यादा अफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे फोर्स डिसिपेशन में हेल्प करेगी, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिशियल ज्वाइंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पाइनस प्रोसेस वो भी आपस में टच होते हैं तो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं, काफी ज्यादा प्ले करते हैं। अगर हमारी जो वर्टिब्रा होती है उस पर काफी ज्यादा ही कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले जो वर्टिब्रल एंड प्लेट होगी वो मेनली क्या होगी, खराब होगी। और जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क सबसे एंडिंग में खराब होगी, जो हमारी वर्टिब्रल एंड प्लेट होती है वो सबसे पहले खराब हमें देखने को मिलेगी। अब हमने फोर्स उठाया, तो एक नॉर्मल टाइम के लिए अगर हम फोर्स पिकअप कर रहे हैं या फिर हमने कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो वो ठीक रहता है। बट अगर हमने एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो वेट है उसको बियर किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वर्टिब्राज होते हैं ना, वर्टिब्राज अपना वाटर कंटेंट जो होता है उसको लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पर जब हम वापस से क्या होता है, वापस से वो जो लोड है उसको उतार देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जो वो वाटर होता है वो वापस से क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, मेनली जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारे हमें जो हमारी हाइट होती है वो मेनली थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जब हम रात को सोए थे उस टाइम से, क्योंकि पूरे दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे जो वर्टिब्राज होते हैं उनके ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग आती रहती है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्राज की हाइट होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। पर जब हम रात को रेस्ट करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जो हमारे वर्टिब्राज का जो वाटर कंटेंट होता है वो वापस से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट वापस से बड़ी हो जाती है और हमारी जो हाइट होती है वो थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है जब हम सुबह सोकर उठते हैं, ठीक है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं बेंडिंग की। तो बेंडिंग मेनली क्या होती है, बेंडिंग में मेनली क्या होता है, जब हम बेंडिंग होती है ऐसे, जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा में बेंड करती है तो इसके अंदर जो पोस्टीरियर वर्टिब्रा होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं और जो एंटीरियर वर्टिब्रा होते हैं वो कंप्रेशन में जाते हैं। एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर बेंड कर दिया है तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स होंगे वो मेनली किस में जाएंगे, वो हमारे डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे, और जो एंटीरियर वर्टिब्रा होते हैं वो मेनली हमारे किस में जाते हैं, कंप्रेशन में जाते हैं। देन हम बात करते हैं टोर्शन फोर्स की, मतलब एक वर्टिब्रा दूसरे पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेशन होगी तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा एनुलस फाइब्रोसस होता है वो मेनली टोर्शन फोर्स को रेस्ट्रिक्ट करने में, मेनली क्या या रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। देन जो हमारा नेक्स्ट फोर्स आता है वो हमारा शियर फोर्स, मतलब एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो शियर फोर्स, या स्लिप कर रहा है तो शियर फोर्स मेनली जो होता है वो मेनली हमारा जायगो एपोफाइशियल ज्वाइंट इसको विदस्टैंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो टोर्शन फोर्स को एनुलस फाइब्रोसस विदस्टैंड करता है, शियर फोर्स को जायगो एपोफाइशियल ज्वाइंट हेल्प करता है। देन बेंडिंग में क्या होता है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स मेनली डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, एंटीरियर स्ट्रक्चर्स मेनली क्या होते हैं, कंप्रेशन में चले जाते हैं, और जो हमारा एक्सियल कंप्रेशन था, एक्सियल कंप्रेशन में मेनली क्या होते हैं, हमारे काफी सारे जैसे कि वर्टिब्रल बॉडी हो गई, आईवी डिस्क, फेशियट ज्वाइंट या स्पाइनस प्रोसेस, ये मेनली क्या होते हैं, उसको रेजिस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू मेक देम लर्न। सो थैंक यू।